नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तेरी जुल्प के साए में सिर रख के शायरी का ख्याल अच्छा है। कोरोना वायरस से कंगाली की ओर बढ़ते पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। यह झटका भी छोटा नहीं बल्कि पूरे 6 अरब डॉलर का है। बड़ी बात यह है कि इसका फायदा उठाने के लिए चीन भी सक्रिय हो गया है। चीन की नजरें रेकोडिक में स्थित सोने की उन खानों पर टिक गई है जिनकी बदौलत पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की चोट पड़ने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय अदालत में टेथियोन कॉपर कंपनी के साथ चल रहे केस में पाकिस्तान को हार का भय सताने लगा है। साल 2012 से चल रहे इस मामले में जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ने टेथियोन कॉपर कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान पर 5 अरब 97 करोड़ डॉलर का हर्जाना लगाया था, जिसके बाद इमरान सरकार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट के दरवाजे जा पहुंची थी। मगर अब जल्दी ही इस पर फैसला आने वाला है जिसको लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। क्यास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाया, जबकि कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए तथ्य सही साबित पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपनी हार इस केस की सुनवाई के दौरान ही स्वीकार कर चुका है। उसने बार बार जुर्माने की रकम को कम करने की गुहार लगाई है, यहां तक कि वह अपने मुल्क की गरीबी का वास्ता देकर कोर्ट के सामने लगातार गिड़गिड़ाता रहा है। मगर अब लगता यूं है कि अब इस आतंकी मुल्ला मुल्क की तमाम मुल्लाबाजी की जय बुलने जा रही है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ यह फैसला आता है तो उसका दिवाला निकलना लाजमी है। खजाना लगभग खाली है, तैमंद की सिलाई के लिए भी कर्जदाता संस्थाओं के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत इंतजार में है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान इस मामले पर 4 करोड़ डॉलर का खर्च भी कर चुका है, जो यकीनन उसके लिए दोहरी मार साबित होने वाला है। गौरतलब है कि टेथियोन कॉपर कंपनी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रेगोटिक में बहुत बड़े पैमाने पर सोने और तांबे की खानों का पता लगाया था। कंपनी का कहना है कि वह इस इलाके में 22 करोड़ डॉलर का खर्च कर चुकी थी, मगर पाकिस्तान सरकार ने 2011 में उसको खनन के लिए पट्टे देने से मना कर दिया। उसने पाक के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की तो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश इफ्तिकार चौधरी ने इस सौदे को रद्द कर दिया था। इसके बाद टीटीसीसी ने न्यायाधिकरण इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के समक्ष 11 अरब 43 करोड़ का दावा पाकिस्तान के खिलाफ दायर किया था। साल 2017 में ICSID ने टीसीसी के पक्ष को सही करार दिया था, लेकिन हर्जाने की राशि तय नहीं की गई थी। जुलाई 2019 में हर्जाना तय हुआ और पाकिस्तान को 5 अरब 97 करोड़ डॉलर चुकाने का आदेश दिया गया। इसमें 4 अरब 80 लाख डॉलर हर्जाना और 1 अरब 87 करोड़ डॉलर ब्याज की रकम निर्धारित की गई। मगर किसी तरह मामला को लंबा खींचने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट भाग गया, पर यहां अब भी उसकी हार निश्चित मानी जा रही है। खास बात यह है कि वर्तमान हालातों में पाकिस्तान भूखों मरने की कगार पर है। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह किसी को इतनी बड़ी रकम चुका सके। सार्क देशों द्वारा स्थापित कोरोना इमरजेंसी फंड में वह 1 डॉलर तक नहीं दे पाया है। पाकिस्तान खुद ही एल्यूमिनियम का कटोरा उठाए मंगता बना घूम रहा है। ऐसे में 6 अरब डॉलर का हर्जाना इसकी टोपी और तमन तक गिरवी रखवा देगा, जो कि रखने शुरू भी हो चुके हैं। चालबाज चीन इस पूरे मामले को भांप चुका है। उसने पाकिस्तान पर अपना फंदा कसने के लिए एक बड़ा ऑफर इमरान खान को दिया है। चीन ने पाकिस्तान के सामने रेकॉर्ड की खानों को चीनी कंपनियों को सौंपने का प्रस्ताव दिया है। उसने पाकिस्तान को ललचाते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। चीनी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी से इन खदानों में ज्यादा तेजी से खनन करके सोना तांबा निकाल सकती है। चीन ने पाकिस्तान को अपने शीशे में उतारने के लिए रेलवे लाइन अपग्रेड करने हेतु 7 अरब 70 करोड़ डॉलर देने का ऐलान भी कर दिया है। कहने वाले यही कहते हैं कि चीन ने यह रकम टीसीसी कंपनी का जुर्माना चुकाने के लिए दी है। रेलवे लाइन को अपग्रेड करना तो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का बहाना है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को कब्जाने के बाद अब उसकी खनिज संपदा पर भी चीन की नजरें गड़ चुकी है। यानी पाकिस्तान की हालत आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली हो गई है। वैसे भी उसकी तरफ बढ़ने वाली मुसीबत से केवल चीन ही उसे बचा सकता है, इसलिए चीन को सजदा करना उसकी मजबूरी और जरूरत दोनों है। परंतु चीन एक व्यापारिक मुल्क है, वे बिना अपने फायदे के किसी मुल्क पर कोई उपकार नहीं करता है। बाना दोस्ती का होता है, पर उसके पीछे चीन का एक अदृश्य चक्रव्यूह रहता है, जिससे बच पाना कम से कम पाकिस्तानी मुल्लाओं के बस की बात नहीं है। इसलिए बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।